सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशा निर्देश। छोटे पैमाने की मात्स्यिकी मछली पकड़ना और मछली पालन के प्रबंधन और विकास के लिए समझौतों का एक अंतर्राष्ट्रीय सेट है। ये दिशा निर्देश कई विभिन्न क्षेत्रों में मछुआरों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए गए थे। दिशा निर्देश राज्यों, नागरिक समाज, मछुआरा समुदायों और उनके संगठनों और व्यापार सहित सभी को संबोधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिशा निर्देशों के केंद्र में निहित हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के संचालन और प्रबंधन में ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी गतिविधियां सभी के मानवाधिकारों का सम्मान और संरक्षण करें। इसमें मछुआरों के समानता का अधिकार, संस्कृति के प्रति सम्मान, महिलाओं और देशज लोगों के अधिकार, भागीदारी का अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में सलाह मशविरा और पारदर्शी जवाबदेह प्रबंधन का अधिकार शामिल है। कुल मिलाकर छोटे पैमाने के मछुआरों को दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन में भागीदारी में सक्षम होना चाहिए। दिशा निर्देशों का मानना है कि जिम्मेदार मात्स्यिकी प्रबंधन, मानवाधिकार और सतत विकास साथ साथ चलते हैं। इसलिए कार्यान्वयन की योजना बनाते समय सरकारों को अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे मात्स्यिकी पर्यावरण, गरिमापूर्ण और अनुकूल कार्य स्थितियों के साथ साथ स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक विकास जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जिम्मेदार विभाग साथ मिलकर काम करना सुनिश्चित कर सके। सरकारों को भी स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि दिशा निर्देशों में मौजूद प्रमुख सिद्धांतों और वे समुदायों में समग्र कानूनों और नीतियों के माध्यम से समुद्र में और लैंडिंग स्थलों पर मछुआरों के अधिकारों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। मछुआरा समुदायों को उन भूमि और जल तक सुरक्षित पहुंच की आवश्यकता होती है जहां वे मछलियां पकड़ते हैं। वे उन पारिस्थितिक तंत्रों, इकोसिस्टम पर निर्भर करते हैं जो जीवन को भूमि पर जलीय जीवन से जोड़ते हैं। तटीय विकास की योजना बनाते समय सरकारों को पारंपरिक मालिकाना के अधिकारों का ख्याल रखने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि भूमि और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दुरुस्त रहें और इन आजीविकाओं को कायम रखने में सक्षम हों। सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल होने की जरूरत है कि हमारे समुद्री संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से हो। प्रबंधन को सह प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए मछुआरों, विशेषकर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अवैध मछली पकड़ने को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन गतिविधियों को डिजाइन किया जाना चाहिए जो स्थानीय इलाकों में फिट हो सकें जिनमें वे संचालन करते हैं। मछुआरा समुदायों को शामिल करने की योजना बनाते समय मूल्य श्रृंखला के साथ सभी गतिविधियों पर विचार किए जाने की जरूरत है। इसमें नेट की मरम्मत, चारा तैयार करने, विभिन्न समुद्री संसाधनों को एकत्र करने के साथ साथ ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो मछली की सफाई, धुएं में सुखाने, पैकिंग और विपणन या स्थानीय पर्यटन और संरक्षण जैसे व्यापक सामुदायिक लाभ साझाकरण मूल्य जोड़ती हैं। समूची मूल्य श्रृंखला में महिलाओं के काम के महत्व को मान्यता दी जानी चाहिए और संसाधनों के प्रबंधन सहित सभी गतिविधियों में लैंगिक समानता को मानक बनना चाहिए। सरकारों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के समन्वय करने की आवश्यकता है। इन्हें अभिनव, कम लागत की जानकारी और संचार तकनीक विकसित करने के लिए मछुआरों के साथ काम करने की भी आवश्यकता है। ये छोटे पैमाने के मछुआरों को अपने आंकड़ों को अधिकार में करने और साझा करने, बाजारों और व्यापार की जानकारी तक पहुंचने, मूल्य श्रृंखला को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देने में सक्षम कर सकते हैं। ये बाजार में असमान सत्ता संबंधों में बदलाव लाने और उनकी स्थानीय सहकारी समितियों या संघों के प्रति जवाबदेही को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को सूचना और तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जो समुद्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने, मछुआरों की स्थानीय जानकारी का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें निगरानी, अनुसंधान और प्रबंधन प्रक्रियाओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं। ये आपदा जोखिमों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल तरीके से प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। दिशा निर्देशों के सिद्धांतों को हासिल करने के लिए मछुआरों को कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के सभी चरणों में शामिल करने की आवश्यकता है। इस तरह दिशा निर्देश छोटे पैमाने के मछुआरों को ये सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाते हैं कि सभी स्तरों पर उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके मानवाधिकारों को मान्यता दी जाए।